प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक विपत्ति से बचाएंगे। आपके जीवन में आने वाली हर एक विपत्ति से प्रभु आपको बचाएंगे और आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। हम लोगों ने कल देखा कि जब परमेश्वर के दूत सदोम नगर में पहुंचे तो वहां लूत ने उन्हें अपने घर में रखा। जब भोर हुई, सुबह जब हुई, तो दूतों ने लूत से कहा कि तू अपने परिवार को लेकर यहां से चला जा। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब परमेश्वर के दूतों ने लूत से कहा तू यहाँ से चला जा, तो पांच बातों को वहां पर वो कहते हैं लूत से। पहली बात कहते हैं कि अपने जीवन को बचा, अपने जीवन को बचा। दूसरी बात कहते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना। जब तुम यहां से भाग रहे होंगे, जब तुम यहां से जा रहे हो, तो तुम पीछे मुड़कर न देखना, इस नगर को फिर मत देखना, या फिर पीछे मुड़कर मत देखना, आगे की ओर ही दौड़ते रहना। और तीसरी बात कहता है कि कहीं भी जो तराई का क्षेत्र है, जो प्लेन क्षेत्र है, वहां मत रुकना। चौथी बात कहता है कि पहाड़ पर चले जाना। और पांचवी बात परमेश्वर का वचन कहता है कि ताकि तू इन लोगों के साथ में नष्ट ना हो। यदि तू इन बातों को फॉलो नहीं करेगा तो तू भी इन लोगों के साथ में नष्ट हो जाएगा। इन चार बातों को यदि तू फॉलो नहीं करेगा तो तू भी नष्ट हो जाएगा। हालांकि लूत एक धर्मी जन है और परमेश्वर ने अपने धर्मी जन को बचाना चाहा उस विपत्ति से, जो विपत्ति सदोम और अमोरा पर पड़ने वाली थी, उस विपत्ति से परमेश्वर ने अपने धर्मी जन लूत को बचा लिया। वहां से उसे बाहर निकलने को कहा, उसे कहा कि मैं इस नगर पर विपत्ति डालने पर हूं, इन्हें नष्ट करने पर हूं, इसलिए तू यहां से चला जा। उसे मौका दिया वहां से जाने का, लेकिन मौके के साथ में उसे चार बातें बता दी कि तू ऐसा करना, यदि तू इनके विरोध में कर दिया तो तू भी नष्ट हो जाएगा। पहली बात, अपने जीवन को बचा। दूसरी बात कि पीछे मुड़कर मत देखना। तीसरी बात, तराई के क्षेत्र में मत रुकना। चौथी बात, पहाड़ पर चल जाना, नहीं तो तू भी इन लोगों के साथ में नष्ट हो जाएगा। और आज परमेश्वर का वचन आसाम में आपसे, मुझसे, हम सब से भी यही बातचीत करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अपने जीवन को बचा, सबसे बहुमूल्य है अपने आत्मा को बचाना, अपने जीवन को बचाना, न केवल इस मृत्यु से बल्कि उस अनंत काल की मृत्यु से अपने आप को बचाना। और ये कैसे हो सकता है? ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हो सकता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर का अनुग्रह जो आप और मुझ पर, हम सब पर हुआ है, उसके द्वारा आपको और मुझे अनंत जीवन मिला है। उस दया, उस अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा आप और मैंने अनंत जीवन पाया है। तो मैं आज आपसे कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो आपको अनंत जीवन देंगे, वो आपकी आत्मा को बचा लेंगे, उस नरक की आग में जाने से वो आपको बचा लेंगे। तो पहला बात परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को बचा, अपनी आत्मा को बचा, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी अन्य लोगों के साथ में नरक चला जाए। अपने आप को बचा। दूसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है कि पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। जब तुमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है तो पीछे मुड़कर मत देखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो हल चलाता है यदि वो पीछे मुड़कर देखे तो वो खुद ही अपने पैर पर उस हल को लगा देगा। तो उसे क्या करना है? उसे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना जो हल को लगा रहा है, वो अपना नुकसान कर देगा अगर वो पीछे मुड़कर देखेगा।
इसलिए आज हम में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे हम सबको आगाह करता है कि अपने जीवन में पीछे मुड़कर मत देखना। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया है तो हमेशा हमेशा आगे की ओर देखकर चलते रहें, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए चलते रहना। इसीलिए तो पौलुस कहते हैं कि मैं दौड़ रहा हूं, सिद्धता की ओर दौड़ रहा हूं, उस कभी न मुरझाने वाले मुकुट की ओर, मुकुट को पाने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि हम परमेश्वर के पीछे चलते रहें, दौड़ते रहें, पीछे मुड़कर कभी ना देखें। परमेश्वर का वचन दूसरे कहता है कि तराई के क्षेत्र में मत रुकना। आज परमेश्वर का वचन आपसे हमसे सबसे कहता है कि रुकना नहीं, मसीह विश्वास में हमेशा आगे बढ़ते रहना। एक जगह पर स्थिर मत हो जाना कि हाँ मैंने विश्वास कर लिया बस ठीक है बहुत है इतना, नहीं, आपको विश्वास में बढ़ते चले जाना है, विश्वास में उन्नति करते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है। बहुत से भाई बहन हैं जो रुक गए हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब तभी कहता है तो ठंडा गरम गुनगुना है, रुकना नहीं है। हमें हमेशा आगे बढ़ना है, गरम रहना है, आगे बढ़ना है। प्रभु चाहते हैं कि हम रुके नहीं मसीह जीवन में, हम रुके नहीं मसीह रेस में, हम रुके नहीं, हम रेस को कंप्लीट करने के लिए दौड़ते चले जाए। चौथी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पहाड़ पर चले जाना। क्यों चले जाना? क्योंकि जब विपत्ति आएगी तो वो पहले नीचे के क्षेत्रों में आएगी। पहाड़ पर जो व्यक्ति होगा वो बाढ़ से सुरक्षित रहेगा, इसलिए उनसे कहा कि तुम पहाड़ पर चले जाना। आज परमेश्वर का वचन आज आप और हमसे हम सबसे यही कहता है कि उस पहाड़ पर चले जाना। वो पहाड़ कौन है? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारी चट्टान है। बाइबल कहती है कि वो हमारी चट्टान है, मजबूत चट्टान, कभी न खिसकने वाली चट्टान, कभी न टूटने वाली चट्टान। उस चट्टान पर चढ़ जाओ, उस पहाड़ पर चढ़ जाओ, उस चट्टान पर चढ़ जाओ, वो चट्टान हमें सुरक्षित रखेगी उस विपत्ति से, जो विपत्ति आज उस नगर पर पड़ने वाली है, उस विपत्ति से लूत बच जाएगा। इसलिए उससे कहा कि तू उस चट्टान पर चढ़ जा। आज परमेश्वर का वचन कहते हैं उस चट्टान पर भरोसा रखो, उस पहाड़ पर भरोसा रखो, उस मजबूत चट्टान पर अपना घर को बनाओ, रेत पर। तब चाहे कितनी भी बाढ़ें आए, कितनी भी तूफान आए, कितनी भी विपत्तियां, कितने भी संकट क्यों आए, परंतु आपका मकान, आपका घर न टूटेगा। क्यों? क्योंकि वो मजबूत चट्टान पर है। अपना भरोसा उस मजबूत चट्टान पर रखो, प्रभु यीशु मसीह पर रखो, तो क्या होगा? तो तुम नष्ट नहीं होंगे, तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, इस विपत्ति से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा भरोसा मजबूत चट्टान पर है, क्योंकि तुम रुके नहीं हो, तुम विश्वास की रेस में आगे बढ़ते चले जा रहे हो, तुम अपने जीवन को, अपने आत्मा को बचाने की कोशिश में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपको अनंत जीवन देंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, उस नर्क की आग में जाने से प्रभु आपको बचा लेंगे और उसके हाथ से आपको कोई भी छीन नहीं सकता। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं, इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे सेंटर में फोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। जय मसीह की। मैं रंजन सिंह पटना बिहार से बोल रही हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पहली गवाही मेरी यह है कि मैंने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करवाई थी, उनकी मिनिस्ट्री में फ़ोन किया था मैंने। उनके मेरी मम्मी के गर्दन में दर्द रहता था और बैठ नहीं पाती थी बहुत टाइम तक, और डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है लेकिन तो भी दर्द होता रहता था, तो उसके लिए प्रार्थना करवाए जो अब बिल्कुल चंगी हो गई है, बहुत अच्छे से है, ठीक हो गई। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है, और सच में प्रभु हम सबको मौका देते हैं बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने का। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित सामर्थी प्रभु, हम सबके उद्धार करता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने सुंदर सा मौका हम सबको दिया परमेश्वर प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आए, प्रार्थना करें प्रभु, आपके वचन को सुने परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करते हैं सुंदर सी शाम में प्रभु, इस प्रभु अच्छी सी फेलोशिप के लिए प्रभु, जो निरंतर प्रभु आप हमें देते हैं परमेश्वर पिता। हम सबके हृदय हमारे मन को तैयार करते परमेश्वर अपनी उपस्थिति में बढ़ने के लिए प्रभु, अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए प्रभु, हम सबको प्रभु इस मसीह सफर में बढ़ाने के लिए प्रभु, अपने वचनों के द्वारा आशीषित करने के लिए प्रभु तू हमें उत्साहित करता प्रभु, और हम सब संगति के सहभागी बन पाए हैं परमेश्वर। इस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग पिता इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्हें आशीष दे, नामो नाम आशीष दे प्रभु, क्योंकि ये तेरे वो लोग है जो तुझसे प्यार करते हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं, तेरी प्रजा है, तेरे चुने हुए लोग है परमेश्वर। आशीष दे प्रभु, इन्हें फलवंत कर प्रभु, इन्हें बढ़ा मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में पिता हम घटे और तू बढ़े, हम घटे प्रभु तू बढ़े प्रभु, हमारे जीवन से परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। कि जो कुछ भी आज मांग रहे, जो कुछ भी आज आपके सामने रखने जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु, जब ऐसी बातें हैं कि किसी से नहीं कह सकते प्रभु, किसी को नहीं बयां कर सकते पिता, परंतु तू ऐसा परमेश्वर है जो हृदय की बातों को जानता है, हमारे बोलने से पहले हमारे मांगने को जानता है प्रभु, सारी बातों को पहले से ही प्रभु आप जानते हैं। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु कि आज आपकी ओर से इनके प्रार्थना का उत्तर मिले, आपकी ओर से इंतजाम होने पाए, आपकी ओर से चंगाई रिवील हो, आपकी ओर से परमेश्वर सारी बातें इनके लिए पॉसिबल होने पाए परमेश्वर पिता। लॉर्ड आप इनकी सुधि ले प्रभु, इस समय आप इनकी सुधि ले परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी ऐसा काम परमेश्वर, कोई भी ऐसे बात परमेश्वर प्रभु जो तेरे व्यवस्था के विरोध, तेरे विरोध में पाप गिनी गई हो पिता, और हम सबसे हो गई परमेश्वर, मेरे खुदा उन बातों को मानते हैं प्रभु, और सच में माफी मांगते हैं परमेश्वर उस बात के लिए, क्योंकि आप विश्वास योग्य और धर्मी है हम सबके गुनाहों को, अधर्मों को क्षमा करने के लिए। खुदा आप मौका देते प्रभु कि हम जीवन में प्रवेश करें, आप मौका देते प्रभु हम अपने जीवन को सवारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, जितने लोगों ने आज अपने जीवन से परमेश्वर प्रभु उन गलत बातों को दूर करने का वायदा तुझसे किया प्रभु, उन बातों के लिए क्षमा मांगी है परमेश्वर, और हम धन्यवाद करते हैं कि दया का धनी है परमेश्वर, तूने प्रभु अपने लोगों पर दया की और उन्हें माफ किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे प्रभु, जिस प्रकार आज हमने वचन को देखा परमेश्वर पिता, कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह लूत को इंस्ट्रक्शंस मिले थे परमेश्वर पिता, हाँ मेरे प्रभु वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए प्रभु वो आगे बढ़ा और उसने अपने जीवन को बचाया परमेश्वर पिता। आज प्रभु आप हमें हमारे जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमें अगुवाई करते हैं परमेश्वर पिता, किस प्रकार हमारा चाल चलन हो, किस प्रकार हमारा जीवन हो, क्या हम अपने जीवन में करें प्रभु। तेरा वचन हर सुबह हर शाम हर बार हर समय परमेश्वर हमें बता रहा है परमेश्वर, और उन इंस्ट्रक्शन को प्रभु लूत की तरह फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े प्रभु, ताकि हमारा जीवन प्रभु लूत की तरह सेफ हो सके प्रभु, हम बचाए जा सके प्रभु, हम प्रभु उस रास्ते पर चल सके जो रास्ता तेरी ओर से दिखाया गया प्रभु, जब तूने हमें पाप से अंधकार से उस मृत्यु की छाया से निकालकर प्रभु जीवन में लेकर आए, तो प्रभु इस जीवन को प्रभु सिक्योर करना, उसे प्रभु हिफाजत से रखना प्रभु आपने हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु की उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस कर्तव्य को परमेश्वर आपके लोग निभा सके प्रभु, आपका वचन फॉलो कर सके पिता, आपके वचन के अनुसार कर सके प्रभु, आपके वचन की कही भी बातों के अनुसार चल सके परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, इस वायदे के अनुसार प्रभु तू हमारे साथ प्रभु जी प्रभु आज से लेकर सदा सर्वदा के लिए प्रभु हमारे साथ में है परमेश्वर पिता, और धन्यवाद करते प्रभु इस समय मेरे प्रभु हर एक जन प्रभु अपने जीवन को बचाने के लिए प्रभु प्रभु प्रयास करने पाए परमेश्वर पिता, कोई भी दुष्ट के कार्य प्रभु इनके जीवन को खत्म ना करे, इनके जीवन को खराब ना करे, इन्हें प्रभु उस जीवन से ना जीवन को पाने से ना रोके प्रभु, हर एक वो बात प्रभु जो इनके जीवन को खराब करती है प्रभु तेरी ओर से इंस्ट्रक्शन मिला है कि तुम उससे आगे बढ़ो, तुम उससे भाग निकलो, हाँ परमेश्वर वो सारी बातें जो इनके जीवन को खराब कर रही है, स्पॉइल कर रही है, इनके अंधकार की ओर लेकर जा रही है प्रभु, आज इसी वक्त परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को फॉलो करके प्रभु लूत की
की तरह प्रभु आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रभु इन भाई बहनों की सहायता और मदद करे परमेश्वर। हर एक उस पाप से, हर एक उस अंधकार की बात से, हर एक उस व्यभिचार से, हर एक उस एडिक्शन से, हर प्रकार की बुरी अभिलाषा से, हर प्रकार के नेगेटिव थॉट से, हर प्रकार की दुष्ट की योजनाओं से ये प्रभु भाग कर परमेश्वर पिता उस पहाड़ पर प्रभु जिस पहाड़ पर इंतजाम होते हैं, जिस पहाड़ पर उपाय होते हैं, हाँ प्रभु वो मजबूत चट्टान पर खड़े होने पाए। वो चट्टान आप है खुदावन, और प्रभु तुझ में तेरी उपस्थिति में प्रभु तेरे वचन को फॉलो करते हुए प्रभु अपने जीवन को हम सिक्योर कर सके, चाह सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करके प्रभु बीती हुई बातों की ओर ध्यान न करके प्रभु यीशु मसीह प्रभु आगे की बातों पर, आगे की ओर प्रभु अपने ध्यान को लगा सके, लक्ष्य की ओर प्रभु हम सब अपने ध्यान को लगा सके परमेश्वर। आज प्रभु जितने भाई बहन प्रभु अपनी बीती हुई बातों को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं प्रभु, बहुत ज्यादा उस बारे में सोच रहे प्रभु, और उन बीती हुई बातों को लेकर प्रभु वो अपना प्रेजेंट, अपने विचार, अपने थॉट्स को परमेश्वर पिता बहुत ही ज्यादा प्रभु दूषित कर रहे खुदा। आज इन सारी बातों से बाहर निकाले प्रभु, आगे बढ़ने में आप सहायता और मदद करें, उस पहाड़ पर, उस उपाय वाले पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रभु इन्हें तैयार करें, उन सारी परिस्थितियों से भाग निकलने के लिए प्रभु आपके लोगों के लिए आप इंतजाम करें पिता। प्रभु ये गलत कामों से भागे मेरे खुदा, ये हर प्रकार की बुरी अभिलाषाओं से भागे परमेश्वर मेरे खुदा। आज वो बात जो इन्हें प्रभु उस पाप, अंधकार और प्रभु मृत्यु की ओर लेकर जाती है, उसे भागकर परमेश्वर उस पहाड़ पर प्रभु जिसमें तेरी उपस्थिति है, जहां तू है परमेश्वर वहां प्रभु तेरी उपस्थिति में आ सके मेरे खुदावन, लूत की तरह परमेश्वर पिता धन्यवाद करती हूँ। आशीषित करे पिता, आज जो कुछ भी ये मांग रहे पिता मेरे प्रभु, बहुत सी बातें की नहीं हो पा रही है, इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, उपाय नहीं हो पा रहे हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, खुदावन आज इनकी प्रार्थनाओं को सुने, रास्ता खोले, दरवाजों को खोले परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाओं को सुने परमेश्वर पिता, और प्रभु हालात सबरे, इनके दुख आनंद में बदल जाए परमेश्वर धन्यवाद। इस समय जितने लोग बीमार है खुदावन आपसे दुआ करती हूँ प्यारे अब्बा कि आप उन्हें इसी समय छू लें पिता, इस दर्द में आप भी अपने लोगों को नहीं देख सकते पिता, आप नहीं चाहते वो बीमार रहे, आप नहीं चाहते कि वो दुर्बल रहे, आप नहीं चाहते वो कमजोरी में रहे। आप कहते, आपका वचन कहता है जो कमजोर है वो कहे कि मैं बलवंत हूँ। हाँ परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम चंगे हो जाएं, इसी समय परमेश्वर तेरे लोग प्रभु छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, हर एक भाई, हर एक बहन यीशु नासरी के नाम से अपनी रोग, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, घाव से आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं आज्ञा देती हूं बीमारियों को जाने की, उन बीमारियों को नष्ट होने की, उन बीमारियों को यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देती हूं कि निकल जाओ यहां से, इनके शरीर को छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर बीमारी निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। तुम्हें आज्ञा देते हैं प्रभु, चंगाई को रिवील करते प्रभु, चंगाई छुटकारे को अनाउंस करते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर धन्यवाद पिता। आज रात में अच्छी नींद दीजिए प्रभु, प्रभु दिन भर में बहुत सारा स्ट्रेस, काम, व्याकुलता, बहुत सारी चिंताओं को लेकर तेरे लोग आज दिन भर में रहे, परंतु पिता फिर भी तूने सुकून, आराम और विश्राम दिया, क्योंकि जब वो तेरे पास आते हैं तो तूने चैन और विश्राम देता है। और आज अच्छी नींद देकर प्रभु बुरे सपनों से, गलत बातों से छुटकारा देकर प्रभु नया दिन आपके साथ में देखे प्रभु, दर्शनों के द्वारा बातचीत करे, वचनों के द्वारा बातचीत करे, अपनी बातों को प्रकट करे प्रभु यीशु, जो आप चाहते हैं अपनी बातों को रिवील करे परमेश्वर धन्यवाद करते, सब कुछ में धन्यवाद करते, जितनी प्रार्थना विनती आई है प्रभु धन्यवादित हूँ पिता कि आपने सुधी लिया है प्रभु, आपने सुना है परमेश्वर, जिन्होंने बोया है उन्हें आशीषित किया है प्रभु, जिन्होंने प्रभु सेवा कार्यों में अपने हाथों को बढ़ाया उन्हें आपने आशीषित किया है खुदा, कि ये वो लोग हैं जिन्हें तूने चुना है अपने कार्यों के लिए खुदावन, दुनिया की छोर में परमेश्वर जब वो घरों में बैठे प्रभु, घरों से ही आप उन्हें सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा, आप आशीष दे परमेश्वर पिता के जीवन को, जिन्होंने प्रभु वीडियोस को शेयर किया है पिता, तेरे वचन को शेयर कर रहे प्रभु, लोगों को तेरे नाम के बारे में बता रहे खुदा, उन्हें आशीष दे पिता क्योंकि वो तेरे राज्य का काम कर रहे खुदावन धन्यवाद करते। सारी बातों में आदर महिमा जलाल यीशु नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।